या अली मदद। अल वाइज अबू अली, वाइज नंबर 44। 31st of March 1991, rising Houston's Clear Lake Jamaat Khana. याली मदद, आपके इस जमात खाने में पहली दफा आया हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सिद्धपुर मैथान में आया हूँ। हे जी सच ध्या बोले ज्ञान विचारो अने गुरु बिना ज्ञान न हो मूर्ख लोके मरम न जानियो ते करने करनी खोए। मौलाना हज़रत इमाम फैसल बात पढ़ो मम्मी। दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह सब मजहब की किताबें पढ़ी, यानी कुरान को तो छोड़ दो, वो इलाही कलाम है, मगर गिनानों जैसी और कोई चीज मुझे न मिली। दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है, गिनानों के अंदर हमको अगर लज्जत आ जावे तो इस जिंदगी की तो ठीक, लेकिन मौत के बाद की जिंदगी की भी तस्वीरें हमको नजर आ सकें। गिनान माहे तो साहिब छे, गिनान बोलो नित नूरे भरिया, ऐसे ऐसे अल्फाज गिनान के लिए हमारे पीरों ने फरमाए हैं। फिर कहते हैं कि साच ध्यावो, नहीं कहा कि साच बोलो, क्योंकि साच बोलना जो है वो लिमिटेड है, मगर फरमाया है साच ध्यावो, यानी के सच की इबादत करो, सच के ऊपर चलो, सच को याद करो। खुदा को ध्याना यानी उसको याद करना, फरमाया सच को हमेशा याद रखो, उस पर अमल करो और ज्ञान विचारो। यहां ज्ञान का मतलब अक्ल है, इल्म है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। और हमारी ये जो पोइट्री है जिसको हम गिनान कहते हैं, इसका नाम गिनान इसलिए रखा कि इसमें बेहिसाब इल्म है। नाम कहते हैं इंसान की वो अक्ल के जो सब कुछ जानती हो। गिनान विचारो, लेकिन फरमाया गुरु बिना गिनान ना हो। इंसान के मन में जो गिनान पैदा होता है और जो गिनान हमको गुरु सिखाता है उसमें फर्क है, क्योंकि खुद गुरु जो है वो जानता है, हम नहीं जानते। उसने तजुर्बा किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी नजर जो है वो हम नहीं समझते। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं। हमारे गुरपी सदरदीन माँ बाप ने एक दुआ फरमाई थी जिसको हम गठपाठ की दुआ कहते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने वो गठपाठ की दुआ बंद कर दी और फरमाया मैं अभी तुमको अपने हाथ से नियाज बना के दिया करूंगा। 20-21 पाठ की दुआ थी और उस जमाने के अंदर हम जो हिंदी दुआ पढ़ते थे, जिसकी जगह आज हम अरबी दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ भी बड़ी लंबी थी। तो गठपाठ की दुआ में लगभग आधे से आधा घंटा 35 मिनट लग जाते थे। जमाना बदल रहा था, इमाम ने इसके हुक्म किया कि तुम अभी दुआ जो है गठपाठ की वो बंद करो, मेरे हाथ का नियाज किया करो और ये जो दुआ है उसको 6-7 मिनट में पूरी करो। वो हिंदी दुआ थी जो पेशा गद्दीन माँ बाप ने 550 वर्ष पहले बनाई थी। उस दुआ में
चार पांच दफा फिर फर्ज होगा। अली शमा बाप ने अपनी पीरी जोमे के अंदर उसके अंदर थोड़े एडिशन की, कोई बड़ी उम्र के लोग होंगे इधर नजर थोड़े आते हैं कि जिनको वो दुआ याद होवे, उसके अंदर 14 दाने यादी के, 14 दाने सलवात के मौलाना अली शमा बाप के फरमान से दाखिल किए गए थे। फिर जब पीर शाहबुद्दीन शाह पीर अली शमा बाप के जो फर्जंद थे, पीर अली शाह जब इमाम बन गए, अपनी पीरी जोत शाहबुद्दीन शाह को दी। शाहबुद्दीन शाह मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे, बाप एक ही था, माँ जुदी जुदी थी। फिर शाहबुद्दीन शाह को पीरी जोमा मिला तो फिर शाहबुद्दीन शाह ने भी उस दुआ के अंदर थोड़े एडिशन किए, नाग अली डाली और पंचन पाठ की तस्बीह और पंचन पाठ की दुआ डाली। तीसरी दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसके अंदर कुछ फर्क किया था। तो इस तरह से हमारे मजहब के अंदर हमेशा जीती जागती जोत ईमान मौजूद रहता है और हम एक किस्म के जमे हुए लोग नहीं, यानी इमूवेबल नहीं है जिस तरह से प्रॉपर्टी या पत्थर होते हैं। अगर इमाम हयात है, हर जमाने में मौजूद है, जो हमें वो कहता है जमाने के हिसाब से हमारा ईमान टिका रहे, जमाने के हिसाब से हमको ऐसी सहूलत मिले कि हम अपने मजहब के ऊपर अमल कर सकें, इस तरह इमाम हमको एक शिप के कैप्टन की तरह ऑर्डर करता रहता है, अभी इस तरफ चलो, अभी इस तरफ चलो, वो हमारा रूहानी पायलट है। इस सदरुद्दीन की इस दुआ के अंदर एक लफ्ज, एक छोटा सा फिक्र आया करता था, याशा कुंभे बांधियो जल रहे, जल बिना कुंभ न होए, तेम गिना ने बांधियो मन रहे, गुरु बिना गिना न होए। 50 बरस पहले महात्मा गांधी ने अपनी जमात को एक खत लिखा, माधव देसाई उसका सेक्रेटरी था, देसाई का खत आया कि मुझे तुम्हारे जमात खाने के अंदर आके तुम्हारी धर्म क्रिया देखनी है। कच्चवाड़ के अंदर गुजरात में वो जमाने के अंदर खोजों के खिलाफ बहुत कुछ प्रोपेगेंडा होता था। जब ये खत आया तो इमाम को पूछा गया, इमाम फरमाया अच्छा भले अहमदाबाद के जमात खाने के अंदर वो आवे, वो जमाने में वो वहां रहता था, लेकिन उसके साथ किसी सीनियर मिशनरी को साथ भेजो। कमिश्नरी वर्ते जी, इब्राहिम यूसुफ वर्ते जी को रिक्रिएशन क्लब ने साथ भेजा। महात्मा गांधी, महादेव देसाई जमात खाने आए, मुखी कमरिया मिशनरी ने बहुत अच्छा उनका वेलकम किया, स्वागत किया, बिठाया उसको। हमारी दुआ शुरू हुई, दुआ पढ़ो मुखी साहब, दुआ पढ़ो कमड़िया साहब, हक नाम गिनो मौला अली ईमान जी सांझा जिना बरकत दुआ सांझी दुआ जरूरती खीसे मरपुठिया शाह तो दरगाह में कबूल कर नूर मौलाना शाह सुल्तान मोहम्मद शाह हजर इमाम। ये पहला पाठ था, बाद में एक तस्वीर निकली, फिर हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है, तोबो तोबो तकसीरदार बंदो सिरता पा गुनेगा, या शाह तू बख्शी बख्शनहार, दुआ तो पीर पड़े बंदो विनती करे, शाह पीर तो कबूल करे फरमान शाह पीर के वचन। गांधी दुआ सुन रहा था, उस दिन जुमे का दिन था, घटपाट की दुआ थी। जब ये अल्फाज आए कि याशा कुंभे बांधियो जल रहे, जल बिना कुंभ न होए, तिन गिना ने बांधियो मन रहे, गुरु बिना गिना न होए, आद कुंभ सदा उत्तम उपना। संस्कृत प्राकृत हिंदी गुजराती देवनागरी मिक्स जबानें थी, इसके अंदर अरबी और फारसी की दुआएं भी आती हैं। इसके मुंह के तासुरात बदलते रहते थे, हैरान रह गया। घटपाट की दुआ खत्म हुई, जमात खड़ी हुई, ये भी खड़ा हुआ, मुखी अमलदार मिशनरी न्यास पीने के लिए आए। गांधी महादेव देसाई को कहते हैं 1 रुपया मैंने आपो, महादेव देसाई ने उसको 1 रुपया दिया,
तो ये भी पीने के लिए आया तो मिशनरी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा अब तुम्हारा माते नथी, केम आ ओना माते छे के जेने जगत गुरु सतगुरु नी भेटना करी होए, तमे भेटना नथी करी, ये रुक गया, न्यास नहीं पीने दिया मिशनरी ने इसको। लेकिन इसने कहा कि मेरे को आज वो ज्ञान मिला है कि जो मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि तुम खोजा लोगों के पास ऐसी कीमती प्रार्थना है। लेकिन मुझे तो एक अफसोस रहा, क्योंकि इसी के अंदर आगे आता है नुग्रा होवे जाए ते आशा, सुग्रा होवे सो भर भर पीवे। ये गांधी के अल्फाज इस तरह के थे, वो भूल गया कि है इस तरह से, लेकिन उसने पहली चीज बाद में कही, बाद की चीज पहले कह दी, कहता कि हूं नुग्रो जाऊं छू। पीर का कलाम ऐसा है कि जो आदमी सुग्रा है, सुग्रा किसको कहते हैं, किस्मत वाला, सुहाग वाला, ग्रेटफुल है उसको भी सुग्रा कहते हैं, और नुग्रा उसको कहते हैं जिसको शनाख्त नहीं, जिसको शर्म नहीं, जो कम नसीब है, वो प्यासा जाता है। क्यों प्यासा जाता है? जमात के अंदर तो सब पीते हैं, नुग्रे भी पीते हैं, सुग्रे भी पीते हैं। सुग्रा आदमी ईमान के साथ पीता है, नुग्रा पानी पीता है, न्याज नहीं पीता है। न्याज लेकिन उसके हलक से जब वो उतरता है तो न्याज पानी बन जाता है, इसलिए उसका ईमान नहीं है, शक में है, एतकाद नहीं है। सुग्रा होवे सो भर भर पीवे, नुग्रा जाए प्यासा, अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। मोमिनो, हमारे मजहब के अंदर जो इल्म है, हम चूंकि छोटपन से इस्माइली मजहब में रहे हैं, हम अपने आप को इस्माइली जरूर कहते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने इल्म की कदर नहीं की, हमने अपना इल्म पिया ही नहीं। वाजे सुनते हैं, वाजों में बहुत ज्ञान होता है। इमाम सुल्तान उनसे फरमाते थे कि वाज करना भी इबादत है और वाज का सुनना भी इबादत है, इसलिए कि वाज में इल्म आया। ज्ञानों की फरमान की वो बहुत सी चीजें जो ऑर्डिनरी तौर पे समझ में नहीं आती, वाजों के अंदर उसके खुलासे किए जाते हैं, इंसान की समझ बढ़ती है। जमाना बदल रहा है, आदमी मोह ममता माया ऐश आराम मौज शौक में पड़ गया है, मजहब वेश उतारने की चीज रह गई। मजहब सीरियसनेस लेने वाले कोई कोई हैं जमात के अंदर, और फिर जमात के अंदर जमाने के हिसाब से ऐसे लोग भी आ गए कि जो चूहे की तरह अंदर अंदर काटते हैं। जमात में मोमन भी हैं, जमात के अंदर मोमन के विरुद्ध का जो लफ्ज है वो मैं नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि जमात के अंदर आए हैं ये भी खुशनसीबी है, लेकिन जिस तरह जमात के अंदर मोमिन है तो जमात के अंदर वो लोग भी हैं कि जो नादान है, पढ़े लिखे नहीं, बेइल्म है। ऐसे नादान लोगों के लिए मौला की रहमत मौजूद है अगर वो समझ जाएं, मगर वो लोग कि जो दीन की दुश्मनी को अपने दिल में रख के दीन को और जमात को उथल पाथल करके उसमें सड़ा डाल के उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी जमात में हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार सलवातुल्लाह अलैह एक दफा जामनगर गए, जामनगर के अंदर उस पुराने जमात खाने में जो आज भी है, लेकिन अभी आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, टूट फूट गया, रिपेयर की सख्त जरूरत है। खोजावाड़ में जामनगर के अंदर जमात खाना है, जामनगर का वो इलाका था कि जहां मौलाना अली शमा बाप के जमाने से कुछ ऐसे लोग थे कि जो जमात के साथ नहीं थे, हसन अली शाह के विरुद्ध में जामनगर के और बाजू में एक और गांव
इन लोगों ने इमाम हसन अली शाह के विरुद्ध में केस भी किया था। एक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बैठ के फरमाते हैं कि अली के जमाने के अंदर एक मुआविया था जो अली से लड़ा करता था, लेकिन आज बहुत से मुआविया हैं जो मेरे सामने लड़ते हैं। हुसैन के सामने लड़ने वाला एक यजीद था, आज बहुत से यजीद हैं जो मेरे सामने लड़ते हैं। और फिर हाथ करके मां बाप ने जमात की तरफ कहा, बहुत से यहां बैठे हुए हैं। इमाम के हुजूर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ करके कहा कि यहां बहुत से बैठे हुए हैं, ये चीज फरमान में लिखी हुई है। वो लोग के जिनों को ईमान नहीं मगर यूं कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, ये हर जमाने के अंदर चला आता है। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर भी ऐसे लोग थे कि जो जाहिर में आके अपने आप को मुसलमान कहते थे और काफिर और मुशरिकों के पास जाके कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, और उनके साथ तो हम मस्करी करते हैं मुसलमानों के साथ। हर जमाने के अंदर ये दौर चलता रहा, चला आया। मगर ये बात क्यों बनती है? ये बात बनती है नादानी की तरह। इल्म नहीं होता, काम कच्चे होते हैं, गैरों की बातें सुन सुन के हम अपने मजहब को उनके मजहब के साथ जब सरखामनी करते हैं, और अपने मजहब की हमें इल्म न होने की वजह से हम उनकी चीजों को ज्यादा अच्छा समझने लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये अर्ज की कि पिसरुद्दीन फरमाते हैं कि गुरु बिना गिनान ना होए, गुरु के बगैर गिनान नहीं मिलता। और गुरु हमारे पास, गुरुओं का गुरु जमीन व आसमान का मालिक बैठा हुआ है। अपनी नूरी हालत के अंदर इमाम जमान की अगर पहचान कर लो तो वल्ला इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं अगर तुम अपने दीन को बराबर समझ लो तो चीन जैसे मुल्क में भी जाओगे तुम्हारा ईमान कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। मगर यहाँ हमारा ईमान ढचू पचू रहता है। इमाम कहते हैं इधर से पवन लगती है दरख्त को झाड़ को तो ऐसा नम जाता है, इधर से पवन लगती है तो ऐसा नम जाता है। हमारा ईमान अगर कच्चा होता है, हमको अपने मजहब की खबर नहीं होती, तो गैर दीन के आदमी जो होते हैं वो हमारे दिल के अंदर शक पैदा कर देते हैं। और शक वो चीज है दीनदारों कि इंसान के दिल में से निकलना बहुत मुश्किल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपको अपने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत सी चीजें आपको इल्म की मिलेंगी जो आपको होशियार बना देंगी। मक्का के अंदर अपनी नबूवत को जाहिर करने के बाद रसूलुल्लाह 13 बरस ठहरे, यानी लगभग 53 बरस की उम्र तक नबी करीम मक्का में रहे। 40 बरस की उम्र में तो हुजूर ने यूं ही गुजारे और 40 बरस की उम्र में अपनी नबूवत को जाहिर किया। दुश्मन बहुत थे और ज्यादा दुश्मन घर वाले थे, अपने ही कबीले के लोग थे। एक दिन रसूल अकरम कोई थोड़ी दूर चले गए थे वाज करने के लिए, और चले आते थे, गर्मी बहुत थी, दोपहर होने का टाइम था। ऐसा मान लो कि सुबह के 10:30 बजे होंगे। नबी करीम अकेले थे, मक्का सामने एक आध माइल बाकी रह गया, कुछ दरख्तों के झुंड थे, छांव थी। नबी पाक जमीन रेती के ऊपर लेट गए, थके हुए थे, गर्मी बड़ी थी और दरख्तों के नीचे ठंडी हवा आ रही थी, शेड था। नबी करीम की आंख लग गई, हुजूर सो गए। मक्का के काफर आते जाते थे, एक काफर निकला, उसने देखा मोहम्मद सोया हुआ है, जल्दी से भागा, गधे के ऊपर या कोई सवारी के ऊपर था, वो भाग के गया, घास की एक औरत बनाई, घास लेके उसका गठा बनाया, दो पांव निकाले, दो बाजू निकाले, उसके ऊपर उसको औरत के कपड़े पहनाए, दुपट्टा डाल दिया मुंह के ऊपर, और लाके मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजू में इसको आस्ते से सुला दिया। कुछ लोग निकल रहे थे तो उनको बुलाया, इधर आओ इधर आओ, और देखा मोहम्मद सोया है और बाजू में एक औरत सोई है। हाँ, अरे ये तो कहता है कि मैं रसूल हूं। भागे, कुछ लोग गए उधर और उन्होंने बात की। मक्का के कुछ लोग आए दूर से, देखे नजदीक को जावे ना
दूर से देखा मोहम्मद सोया है, बाजू में एक औरत सोई है, औरत के कपड़े पहने हुए थे। सैकड़ों आदमी आए गए, आखिर थोड़ा शोर बकोर होने लगा, आवाजें बुलंद होने लगी। रसूल पाक की आंख खुली तो कुछ लोग सामने खड़े थे। आंख खुली ऐसा देखा तो जल्दी से चमक के उठे कि यह औरत तो सोई हुई है, लेकिन हुजूर की नजर जब पांव की तरफ गई तो उसमें से घास के कुछ तिनके नजर आए। नबी करीम उठे और पांव से उसको मारा जोर से, वो कपड़े निकल गए और जो घास था वो सूखा घास छूटा छूटा हो गया। और ये सब लोग जिन्होंने ये देखा वो हंसने लगे। अब ये लोग इन्होंने ये देख लिया कि ये घास की औरत थी और किसी ने मजाक किया है। लेकिन दीनदारों, वो लोग कि जिन्होंने ये देखा कि बाजू में औरत सोई है और वो चले गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब जो ये उनको जाके कहते हैं अरे वो तो सब शैतानी काम था, कुछ नहीं, घास की औरत थी, तो कहते हैं गलत है, हमने तो आंखों से देखा। इंसान बहुत दफा ऐसे धोखे में आ जाता है, और वो सच कहते थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक औरत रसूलुल्लाह के पास सोई हुई है, मगर ये मालूम नहीं था कि वो किसी ने शरारत करके घास की औरत बना के रख दी है नबी पाक को बदनाम करने के लिए। ऐसी ऐसी शरारतें रसूलुल्लाह के साथ हुई हैं। वो लोग जिनका ईमान कच्चा होता है, जब अपनी आंखों से वो एक चीज देख लेते हैं, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छी हो, तो उनका ईमान पक्का हो जाता है। इस तरह के दुनिया में बहुत से फरेब भी होते हैं। इसी फरेब में से बचने के लिए हमारी इबादत बंदगी इमाम जमान के ऊपर हमारा यकीन सच्चा पक्का होता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है आज के इस जमाने के अंदर कि हमारा ईमान पक्का हो। इमाम हमारी नजर में पाक है, मासूम है, बेगुनाह है, पवित्र है। इंग्लिश में कहते हैं इनफेलेबल। दूसरे चाहे कुछ भी कहें, दूसरों की नजर में इमाम जो है वो हमारी नजर में नहीं, और हम जिस नजर से अपने इमाम को देखते हैं, गैर आदमी हमारे इमाम को उस नजर से नहीं देखते। तो ये एक बड़ी समझने की चीज है। साच ध्यावो, हकीकत की तलाश करो, हकीकत क्या चीज है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारो और अमल करो और जिनान विचारो, अपनी इल्म अक्ल और समझ के साथ उसका तारणी करो कि इसमें सच्चाई और हकीकत क्या है। लोगों के फरेब और कहने में नहीं आओ, क्योंकि जिनका ईमान ढचू पचू होता है वो लोगों की बातों से ऐसे हो जाते हैं। 1963 के अंदर मैं यूरोप गया, उस वक्त मौलाना हजर इमाम अकेले थे। लंदन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए थे। पेरिस में से एक पेपर निकलता है पैरी मार्च, वो लाइफ मैगजीन की तरह का है। एक लड़का मेरे पास आया, ऐसा खोला, सेंटर पेज के ऊपर हजर इमाम की एक फोटो थी, बीच के ऊपर अनोज का नाम की एक लड़की बैठी है जो मौला के साथ वो जमाने में बहुत घूमती थी, किसी जर्मन ऑयल मैग्नेट की लड़की थी, और हजर इमाम उसके खोड़े में सर रख के टोपी रख के तो सोए हुए हैं। ये लड़का मेरे पास ये फोटो लेके आया, मैंने फोटो देखा था पहले, मुझे कहता है ये देखो, मैं बोला हाँ देखा, क्या है, कहते कि देखो, मैं बोला मैंने देखा, क्या है क्या, बोला ना हजर इमाम तो स्विमिंग के कपड़े चढ़ी पहनी हुई थी। मैंने कहा देख बेटे, मौलाना हजर इमाम हमारे इतेकाद ईमान मजहब के हिसाब से खुदा का नूर है, सर्वशक्तिमान है। जो चीज हमारे लिए लिमिटेड है उसके लिए अनलिमिटेड है। अपनी नजर से अगर हम इमाम की क्वालिफिकेशन बना लेते हैं तो उसका मतलब यह है कि इमाम इमाम नहीं, इमाम वो है कि जो हमने बनाया। इमाम कैसा होना चाहिए, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, हाथ में तस्बीह होवे, मुंह में पान होवे, के होंठ लाल होवे,
आंखों में सुरमा लगाया हुए, हलूद लगाया हुए, लंबा झब्बा हुए, ऐसा इमाम बनते हो? तो आप इमाम बनाते हो, जो इमाम हमने बनाया है तो वो फिर इमाम नहीं, क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ होवे तो हम उससे बड़े हो जाते हैं। अपने ख्याल से, अपने विचारों से, अपने इमेजिनेशन से इमाम को मत बनाओ और तपास करो, क्योंकि तुम्हारे ख्याल और तुम्हारी इमेजिनेशन में जो चीज आ गई, इमाम उससे बड़ा है। इमाम को अपने से छोटा मत समझो, कि तुम जिस तरह चाहते हो ऐसा अगर इमाम हो गए तो तुम इमाम हो, वो तुम्हारा मुरीद हो गया। ये बात नहीं बनती इस्माइली मजहब के अंदर। हमारी नजर तो इतनी वसात वाली है कि इमाम कादर मुतलिक है। यहाँ कादर मुतलिक का मेरा नूरानी हालत में, मौलाना हाजर इमाम का बदन है वो एक इंसान की तरह है, उस बदन को पैदाश भी मिली है, पैदा हुआ, बच्चा था, जवान हुआ, शादी की, उसको भूख भी लगती है, वो थक भी जाता है, उसको नींद भी चाहिए। तो ये तो खुदाई सिफतें नहीं है, ये तो इंसानी सिफतें हैं। और इमाम जो है बदनी हालत के अंदर हमारी तरह का एक इंसान है। और हमारे इमामों ने जौमे भी पूरे किए, 48 इमाम हमारे वफात पा गए, हम इसको खुदा नहीं कहते। हमने अपने इमाम को बदनी हालत में कभी खुदा नहीं कहा। हम तो नूर की परस्तिश करने वाले हैं। इस्माइली बातूनी तरीका यह है कि वो खुदावंद आलमीन जो अल्लाह अकबर है, जो कादर मुतलिक है, ऑल माइटी है, जमीन व आसमान का वो क्रिएटर है, वो खुदावंद आलमीन जो तमाम जहानों से ऊंचा है। इमाम जमान हजर इमाम फरमाते हैं कि ऐसे 2000 ब्रह्मांड हो में वो फिर भी वो बड़ा है। वो खुदा क्या है? कुरान में खुद खुदा कहता है अपने लिए कि मैं जमीन और आसमानों का नूर हूं। खुदा के हाथ नहीं हमारी तरह के, हमारी तरह के पांव नहीं, हमारी तरह की आंखें नहीं, हमारी तरह का बदन नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी को जन्म देता है। वो पाक पाकीज़ा नूर ही नूर है, खुदा है, वो नूर है। खुद खुदा कहता है कि मैं नूर हूं। हम इस्माइलियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। अब हमको ये तजस्सुस है, हमारी ये रिसर्च है, इसके आगे क्या? हम खुदा को जानना चाहते हैं, और खुदा को जानने के लिए हमें एक गुरु चाहिए। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर ऐसे लोग थे कि नबी को छुप छुप के मिलते थे, और रसूलुल्लाह उनके साथ इबादत की बातूनी बातें किया करते थे। वो इबादतें करते थे रात के 12 बजे से सुबह तक, घर बार छोड़ के मजहब में लग गए। ऐसे 40 आदमी थे रसूलुल्लाह के साथ, कि जिन 40 आदमियों ने इबादत की खोज में अपनी जिंदगियां गुजार दी, वो लोग जो 40 आदमी थे, वो इबादत वाले, वो बैतुल ख्याल वाले, वो पहला ग्रुप था कि जिसके बाद हम लोग अपने इमामों के हाथ के नीचे बैतुल ख्याल की इबादत में लगे। मैं उनको इस्माइली मानता हूँ, हालांकि उस वक्त इस्माइली नाम नहीं था। इस्माइली नाम पड़ा हमारे छठे इमाम मौलाना इस्माइल के नाम से। उसके पहले जो होते थे उनको शिया कहते थे, शिया ने अली, अली का शिया यानी अली से मोहब्बत करने वाला। ये लोग अली से मोहब्बत करते थे, और अली की सिफत रसूल अकरम करते करते थकते नहीं थे। अली आते थे तो कहते थे, देखो देखो खुदा के चेहरे वाला आया। ये तो जाहिर बातें हैं, बड़ी बड़ी किताबों में आपको ये चीज जाहिर मिलेंगी। मौला अली आवे तो नबी करीम खुश हो जाते थे, देखो देखो खुदा के चेहरे वाला आया। फरमाते थे अली का चेहरा है वो खुदा का चेहरा है। अली जब अली बोलते थे तो रसूलुल्लाह कहते थे कि अली की जबान है ना वो लिसानुल्लाह है, खुदा की जबान है। फरमाया कि अली जिस पे राजी हो जाता है खुदा उस पे राजी हो जाता है। अली की आंखों को अल्लाह की आंखें कह दिया। ऐसी सिफतें जब अली की सुनते थे गैर आदमी, यानी वो आदमी के जो अली को ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि बनी कुरैश के अंदर बड़ी लड़ाइयां हुई, और हजरत रसूल अकरम के साथ दे के मौला अली ने बड़े बड़े बहादुर जोरादार काफिरों को मारा।
उसकी तलवार में से ऐसा कोई बचा नहीं। और कभी भी सारी जिंदगी मौला अली ने जिसके साथ भी लड़ाई की या किसी ने मौला अली के साथ लड़ाई की तो मौला अली कभी हारे नहीं और दूसरा वार कभी नहीं किया, एक ही वार में खत्म कर देते थे। बड़े बड़े योद्धे, बड़े बड़े बहादुर जुल्फिकार के नीचे से बच न सके। उनके घराने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त वगैरह इस बात को हसद बना के, कीना बना के दिल में समाये हुए थे। कोई कहता था अली ने मेरे नाना को मार दिया, कोई कहता था अली ने मेरे मामू को मारा, कोई ने कहा मेरे बाप को मारा, कोई ने कहा मेरे भाई को मारा। तमाम बड़े बड़े कबीलों के जो सरदार थे अली ने उनका खात्मा कर दिया, क्योंकि मोहम्मद को दुख देते थे। अगर अली की तलवार न होती तो इन जालिमों, काफरों, बहादुरों, ताकतवरों के सामने रसूलुल्लाह जीत न सकते। ये अली की तलवार थी जिसने इस्लाम को उनके हाथों से बचाया और इस्लाम को जिंदा किया। वो लोग जब ऐसी बातें सुनते थे कि मौला अली मुर्तजा को रसूलुल्लाह कहते, देखो देखो खुदा के चेहरे वाला आया, देखो अली की आंखें हैं अल्लाह की आंखें हैं, अली की जबान है वो खुदा की जबान है, अली का हाथ है वो खुदा का हाथ है, अरे जुल्फिकार जो अली की तलवार थी उसको भी खुदा की तलवार कह दिया। अली तो ठीक है इमाम है, लेकिन उसकी तलवार को भी ये दर्जा दिया गया कि सैफुल्लाह कहा गया। तो वो लोग जलते थे, हसद करते थे और अली को डाउन करने की कोशिशें करते थे। ये हसद, ये दुश्मनी की बिना थी कि जो खिलाफत का और इमामत का झगड़ा इस्लाम के अंदर शुरू हुआ। अली की तारीफें इतनी की रसूलुल्लाह ने, इतनी तारीफें की कि लोगों के कलेजे जल उठते थे। एक दफा मस्जिद में बैठे थे, अभी नमाज शुरू नहीं हुई थी, ये मदीने की बात है, शांति थी। ऐसा समझ लो कि आप इधर से आते हो, तीन तरफ दीवार थी, पीछे मेहराब थी, सामने से लोग आते थे। आप मस्जिद में एंटर हो तो राइट साइड के ऊपर रसूलुल्लाह के मकान थे, हर एक बीवी की एक जुदा कोठड़ी थी। उस जमाने के अंदर रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां थी उनके हिसाब से इतनी कोठड़ियां थी। और इधर दरवाजा था, नबी करीम अपने हुजरे यानी कमरे में से सीधा मस्जिद में आ जाते थे। इस तरफ यानी एंटर हो तो लेफ्ट साइड के ऊपर बड़े बड़े जो सहाबी थे रसूलुल्लाह के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर वगैरह, इनके मकान इस तरफ थे और उन्होंने भी एक एक दरवाजा अपना अपने कमरों में से बना रखा था। मौला अली का भी इसी तरफ एक दरवाजा था। ये वाकया सन 8 का है, हिजरी सन 8 का। यकायक हजरत रसूलुल्लाह ने बिलाल को बुलाया। बिलाल अजान दिया करता था, अनाउंस किया करता था, बिलाल अनाउंस करो कि जिस जिसके दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं फौरन अपने दरवाजे परमानेंटली बंद कर दो, सिवाय मेरा और अली का दरवाजा खुला रहे। कोई ना उठा। नबी करीम के नजदीक रहने वाले आला दर्जे के जो सुहाबी थे कोई ना उठा। थोड़ी देर के बाद हुक्म फरमाया, बिलाल इस हुक्म को रिपीट किया जाए कि मेरे और अली के सिवा बाकी सब के दरवाजे जो मस्जिद में खुलते हैं परमानेंटली सील कर डालो, बंद कर डालो। कोई ना उठा। नबी करीम जरा गर्म हो गए, जलाल आ गया। है बिलाल अनाउंस करो कि पहले इसके कि तुम्हारे ऊपर अजाब उतरे अपने दरवाजे बंद कर लो जो मस्जिद में खुलते हैं, सिर्फ मेरा और अली का दरवाजा खुला रहेगा। अब जो अजाब की बात आई ना, जल्दी से उठे और भाग के अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए और पीछे से होके वापस आए। अब जमात के अंदर मरमर होने लगी, आस्ते आस्ते बातें होने लगी। जमाई है ना, दामाद है ना, उसका दरवाजा खुला रखा। किसी ने कहा फातिमा इसको बहुत प्यारी है इसलिए उसका दरवाजा खुला रखा। ऐसा बातें होने लगी। नबी खड़े हुए, नबी खड़े होके मिंबर पे आए, अभी नमाज शुरू नहीं हुई। फरमाया लोग आपस में बातें करते हैं,
कि मैंने अली का दरवाजा और अपना दरवाजा खुला रखा और बाकी सबके दरवाजे बंद करा दिए, मैं क्या करूं, मुझको अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ। अब चुप हो गए। इस किस्म के बेहिसाब वाकयात हैं मौला अली की मोहब्बत के लिए। तो उस जमाने के अंदर भी जमात में ऐसे लोग थे कि झूठी झूठी बातें खबरें फैला के और मौला अली के जैसा सामने एक आदमी बनाया जाता था। दीन के अंदर कोई भी दीन, क्रिश्चियन दीन होवे, यहूदी दीन होवे या इस्लाम दीन होवे, हिंदू और सिखों का दीन ले लो, दुनिया में जितने भी अधियान आए, अधियान प्लूरल है दीन की, उन सब के अंदर हमेशा हर जमाने में सच्चे महात्माओं पैगंबरों गुरुओं के सामने खोटे लोग खड़े होते रहे, जैसा कि आजकल आपकी जमात के अंदर ऐसे धरती जी खोटे खड़े हुए हैं। और ये कोई नवाई की बात नहीं, मैंने जब सुना, मैंने सुना पाकिस्तान में सुना, तो मैं हंस पड़ा। इसलिए हंस पड़ा कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मुझे तो मालूम है कि यह सिलसिला तो हमेशा रहेगा। आज अगर एक मर गया तो दूसरा पैदा होएगा और यह सिलसिला जारी रहेगा, शाह करीम की इमामत में भी रहेगा और शाह रहीम की इमामत में भी रहेगा और शाह रहीम के पोतों की इमामत में भी रहेगा, ये तो रहेगा। लेकिन बात यह है कि जो मोमन है वो अपना ईमान सलामत रखे, हर हालत में मजबूत रहो। बयत किसकी की है? इमाम की बयत की है। इमाम के साथ हमने वादा किया है। इमाम के साथ बयत छोड़ के अगर दूसरे की तरफ जाओगे तो अस्तगफुरुल्लाह, मुझे माफ करना, बेईमान बन जाओगे। या तो इमाम को मान लो या किसी ऐरे गैरे नथु खैरे को मान लो, एक तरफ रहो या इस तरफ रहो या उस तरफ रहो, खुशी के साथ जाओ, खुशी के साथ। लेकिन दो शोहर मत बनाओ, क्योंकि उसको बच्चा होगा तो पता नहीं कि यह बच्चा कौन से शोहर का है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि दो बाप के बेटे मत बनो, एक ही बाप बनाओ, या इधर हट जाओ या उधर चले जाओ। और इसी वजह से सन 1900 के अंदर हमारे मजहब में से लगभग 350 जितने आदमी बॉम्बे में अपना मजहब छोड़ के इसनाशरी बन गए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने मजहब छोड़ दिया। लेकिन वो लोग के जो मजहब में रह के भी बेईमानी करते हैं और मजहब की दुश्मनी करते हैं, मौला फरमाया वो लोग उनसे ज्यादा खराब हैं कि जो मजहब छोड़ के चले गए। साथ दिया वो गिनान विचारो, गुरु बिना गिनान न होए, मूर्ख लोके मरम न जानियो, ते कारण करनी खोए। जो मूर्ख नादान है इधर भी भागते हैं उधर भी भागते हैं, तो दीनदारो उन्होंने अपनी सारी करनी कमाई बर्बाद की। इमाम हर जमाने के अंदर इमाम है। इमाम की जो ताकत है वो नूर की ताकत है। इमाम जो जानता है वो कोई नहीं जानता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बातें तो बहुत हम अपने वाजों के अंदर करते आए, उस जमाने के अंदर बेहिसाब इमाम की ऐसी बातें रहीं। लेकिन इस हजर इमाम के जमाने के अंदर भी ऐसी कितनी ही बातें बनी हुई हैं कि जो आम लोगों ने कभी सुनी के नहीं सुनी। सच्चाई हकीकत में सच्चाई है। एक चीज याद रखो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि इमाम है वो कोई मैजिशियन नहीं है, मैजिक करने वाला इमाम नहीं। इमाम तो दरवानी देता है, गाइड करता है। मैजिक यानी कोई मदारी की तरह खेल रच देना, ये इमाम का काम नहीं। एक आदमी मुझको कहता है फलाने ने ऐसी दुआ की तो उसको बेटा हो गया। मैं बोला ये कौन सी नवी बात है, किसी के ये कह देने से बेटा हुआ तो क्या खुदा हो गया? सब गली मिशनरी जब उधर गए मिडल ईस्ट की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ, तो उन्होंने एक ऐसा ही आदमी जिसको 14-15 साल से कभी औलाद नहीं हुई थी उसके लिए दुआ की और एक तावीज लिख के याली मदद चार दफा लिखा, उसको बेटा हो गया। तो क्या सबदली भी खुदा बन गया? मैंने ये कहा कि अगर यहां से किसी आदमी को दलास जाना है तो हम अंदाजा करते हैं कि भाई डेढ़ या दो घंटे में पहुंचेगा, और बराबर वो दो घंटे में कैसा दो घंटे में पहुंच गया। तो क्या कोई खुदा हो गया? इंसान के अंदर अंदाजे बहुत से होते हैं। ऐसी बातें अगर हम ईमान के साथ लगा ले रहे, दुनियावी मौजज़े देखकर जो ईमान आता है उसको ईमान नहीं कहते। रसूल अकरम ने जब ये कहा कि मैं नबी हूँ खुदा ताला का,
तो उन लोगों ने नबी के पास से कोई मौजजा नहीं मांगा, वो एतकाद ले आए, आमंतु बिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमंतु बिल्लाह, ऐ मोमिनो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ यानी कबूल कर लो। ये हजरत बिलाल थे, हजरत खदीजा थी आपकी घर वाली, और बहुत से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने शुरुआत में इस्लाम कबूल किया, उन्होंने रसूलुल्लाह का कोई मौजजा नहीं लिया। और जिन्होंने मौजजा देखे, बिलाल काला आदमी था, मैंने इसका कल ही जिक्र किया है, हबशी था, मगर उसके दिल के अंदर ईमान ने ऐसी रोशनी पैदा कर दी कि सख्त अजियत दुख उठाए मगर अपना ईमान छोड़ा नहीं। और बिलाल ने कभी रसूलुल्लाह की कोई मौजजा नहीं देखा। उमर नाम का एक आदमी था जिसको बाद में अबू जहल कहने लगे। ये अबू जहल नबी का चाचा भी होता था, सगा चाचा नहीं दूर का चाचा था। इसने ये तो बड़ी शरारतें की, ये तो मोहम्मद पागल है कहा करता था, मोहम्मद जादूगर यूं कहा करता था, मोहम्मद फरेब करता है ऐसा कहता था। और जब ये आवे तो रसूल अकरम खड़े होके चाचा को इज्जत देवे, पास बिठावे। एक दिन आया, भतीजे आज मैं तय करके नकी करके आया हूँ कि अगर तू मुझको आज का मौजजा दिखा दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर कहते हैं चाचा मौजजा करना मेरा काम नहीं, मेरा काम हिदायत करना है, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं हिदायत करूं कि ये करो ये ना करो, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं। मौजजा करना खुदा की ताकत है। नहीं नहीं, खुदा तेरा मानता है, तेरी बात सुनता है, तो तुम एक मौजजा करो, तुम खुदा के पास दुआ मांगो कि मुझे ये मौजजा कर दे। अच्छा क्या है? कहने लगा अभी अभी एक दरख्त पैदा होवे, सोने का उसका स्टेम होवे, थड़ सोने का, चांदी की उसकी शाखें टहनियां होवें, जुमुरद के पत्ते लगे होवें, हीरे मोती के उसको फल लगे होवें। रसूल अकरम हंसने लगे, कहते हैं आप दुआ करो, खुदा आपकी सुनता है, अगर ये हो जावे मैं अभी मुसलमान हो जाऊं। नबी करीम ने दुआ की है, खुदाया इन्फ्लुएंशियल आदमी है, तू मेहरबानी कर। हुजूर अभी दुआ ही कर रहे थे और इसकी आंखों ने ये चीज देखी, दूसरे जो असहाब बैठे थे उन्होंने नहीं देखा, लेकिन इसने देखा। वल्लाह मुंह खुला रह गया, आंखें फट गई, बहुत देर तक देखता रहा। जब वो दरख्त ओझल हो गया फिर ये होश में आया, कहता है वाह मेरे भतीजे वाह वाह, तेरे जैसा जादूगर कोई नहीं देखा, उठ के चला गया। फिर भी ईमान नहीं आया। लोगों की इस किस्म की बातें कि जिसको बाज लोग मौजजा बना के कहते हैं उसके ऊपर ईमान लाते हो वो ईमान बिगड़ जाएगा। मौला करेगा थोड़े वक्त के अंदर तमाम शरारतों का खुलासा हो जाएगा, लेकिन अपना ईमान मजबूत रखो। और जो आदमी डूब रहा है, मैंने कल भी कहा था कि हर इस्माइली के ऊपर बल्कि हर मुसलमान के ऊपर अल्लाह ताला ने ये बोझ रखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर हर आदमी दूसरे आदमी को बचाओ, जो फिसलने वाला है डूबने वाला है उसको बचा लो, इमाम के फरमान पे अमल करो, दिनों दुनिया की बरकतें नियामतें मिलेंगी। आज इस वक्त हम ऐसे टाइम में से पसार हो रहे हैं। मोमिनो मैं आपको एक अर्ज करनी चाहता हूँ, और वो ये है कि लड़ाई बंद हो गई गल्फ में, इसके असरात बहुत मुद्दत तक रहेंगे, आने वाले कम से कम 1.5 से 2 बरस माली हालत के हिसाब से सारी दुनिया में और खास तौर पे अमेरिका के अंदर रहेंगे, कनाडा भी उसमें बाहर नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त ये जरूरी है कि आप अपना खर्च कम करो, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आम तौर पे व्यापार घट जाएगा। गए साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कनाडा में 46,000 बैंकरप्सियां फाइल की गईं, इतनी ही बैंकरप्सियां बल्कि इससे ज्यादा अमेरिका के अंदर हो गई, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के अंदर 1:10 का हिसाब चलता है पॉपुलेशन में, वहां 23 मिलियन है, 2 करोड़ 30 लाख, यहाँ 240 मिलियन है, 10 गुना ज्यादा आबादी है,
इसलिए यहाँ तकलीफ भी बहुत होगी। हाँ, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, इनके तो खुदा ताला ने दरवाजे खोल दिए, इन लोगों को बहुत काम मिलेगा, ये लोग बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि रीबिल्ड किया जाएगा कुवैत को। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, उनको तो बहुत फायदा होगा, और वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इंडस्ट्री है मिलिट्री की, उनको भी बहुत फायदा होगा। लेकिन मोमिनों, के आने वाले कम अज कम 1.5 से 2 बरस 92 के आखिर तक अपनी खर्च को कम करो, जिस चीज के बगैर चल सकता है नई मत खरीदो, और कभी जरूरत पड़ गई है तो रिपेयर करके चलाओ, लेकिन पैसे बचाओ। ये वक्त नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी में पैसे डालो, ये वक्त नहीं है कि आप कोई नया इस किस्म का प्रोजेक्ट करो कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको थोड़ा शक होवे। 100% नहीं, 200% आपको जब तक कोई चीज के अंदर प्रोजेक्ट में बिजनेस में खातरी ना होवे, 200% तब तक उसमें उंगली मत डालो। आपके पास कैश पैसे होंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा आपको काम आएंगे। इस किस्म की ये जो हिदायत और दौरवनी है, मानोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानोगे तो नुकसान मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। मगर हमारा ये काम रहा कि हम दुनिया में घूम के लोगों को अपने मजहब के ऊपर, इमाम के फरमान के ऊपर हिदायत करते रहें। आप मोमन जमात हो, इसलिए मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने आपको आते ही कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मेथान और सिद्धपुर में हूँ। आप लोग बहुत मोमन हो, और आप लोगों का ये काम है, मोमनों ने बहुत बड़ी बड़ी खिदमतें की हैं, और इसीलिए इमाम ने आपका नाम मोमन रखा, इसीलिए रखा। हकीकत में अलीशा माँ बाप ने आपको बहुत बड़ा दर्जा दे दिया कि मोमने जो है वो मेरे सगे हैं, आपको अलीशा माँ बाप ने ऐसा दर्जा दिया। और फिर ताजुद्दीन, जिसको हम शाह तुरैल कहते हैं, उन्होंने आपको ये बोध नसीहत की। आज से 200 बरस पहले के नहीं, 50-60 बरस पहले की हमारी जो हालत थी मोमन भाइयों की, उससे तो आज आपसे मौला ने 4 चांद लगाए हैं, हीरे के ताज पहना दिए हैं आपको, और भी आप बढ़ोगे, क्योंकि आप में मोमन ज्यादा हैं, पक्के हैं। शराब सिगरेट से तो मोमन हमेशा दूर रहे, आप किधर भी जाओ जो मोमने भाई हैं वो लोग ऐसी बदियों बुराइयों में नहीं रहे। हमारे खोजे भाइयों में जो वीकनेसेस रही वो मोमनों में न रही थी, इसलिए कि वो मजहब के ऊपर चुस्त रहे, दसवंदी पक्के रहे, हजर इमाम के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहे। और वो चीज आपके बाप दादाओं ने आपके दिल के अंदर, आपकी रगों में जो खून रखा हुआ है, वो ईमानदारी का खून मौजूद है। आपको अगर लगता है कि मेरा कोई भाई बहन अपने मजहब में से हट रहा है, तो आप मोहब्बत प्यार से उसको मजहब की तरफ खींच के लाओ, लेकिन शर्त यह है कि आप में ऐसी ताकत होनी चाहिए। डूबते हुए आदमी को कौन बचाएगा? जो तारू होएगा वही बचा सकेगा। जो आदमी खुद तरना नहीं जानता वो डूबने वाले को बचाएगा, खुद भी मरा जाएगा। इसलिए अपने मजहब के ऊपर पक्के रहो, इबादत करो, दस्तुन बराबर दो, इमाम जमान के फरमान के ऊपर अमल करो। और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से मदारी बहुत निकलते हैं, इन मदारियों की तरफ मत जाओ, क्योंकि मदारी के खेल के अंदर नजरबंदी होती है, हकीकत नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि इधर ह्यूस्टन की और बहुत से और भी अमेरिकन जमातों के अंदर जब शादी होती है तो 3 शादियां होती हैं, 3 शादियां। एक तो गवर्नमेंट के उधर जाते सिविल मैरिज करते हैं, फिर हम जमात खाने के अंदर आके मुखी कमरिया से मैरिज करवाते हैं, और फिर बाहर जाके मौलवी को बुला के निकाह पढ़ाते हैं, तो चौथी भी कुछ कर लो, किसी पंडित को बुला लो, क्योंकि होना चाहिए ना, ये भी होना चाहिए। मैंने तो सुन के मैं जरा हंस पड़ा, हमारा इमाम हमारा मालिक है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अगर इमाम ने वो अरबी लफ्जों का जो निकाह है वो निकाल के इंग्लिश कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, तो क्या हमको इतना यकीन न आया अपने मौला के फरमान के ऊपर? तो ये किस किस्म का ईमान है? अरबी जबान के अंदर निकाह का मतलब है एग्रीमेंट। रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर ये जो मुल्ला मौलवी आज निकाह पढ़ाते हैं, ये निकाह रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं था।
उसके अंदर सिर्फ एग्रीमेंट था, लड़का लड़की आपस के अंदर एग्रीमेंट कर लेते थे, वो बोले तू मेरा शोहर, वो बोले तू मेरी बीवी, और दो आदमी और रसूलुल्लाह का ये शरीयत के अंदर हुक्म है कि कोई भी दो बालिग आदमी यानी 18 बरस की ऊपर के जो एज है, ऐसे दो आदमियों के सामने अगर लड़की लड़का ये कह देवे कि हमने एक दूसरे को पसंद किया और मियां बीवी बन गए हैं, तो वो बिल्कुल सच्चा निकाह है, चाहे उसके अंदर फिर हाथ उठा के दुआ मांगी जाए या ना मांगी जाए। निकाह के अंदर है क्या? अल्लाहुमा अल्लाहुमा बैना कमाहुमा हजरत आदम व हजरत हवा, ऐ खुदाया इन दो के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल के जैसी आदम और हवा के अंदर डाली थी। आज हम ये नहीं बोलते क्योंकि हवा ने आदम को जन्नत में से निकाला, क्या मालूम कि ये भी जन्नत में से निकाल देवे हमको। ऐसी ये दुआएं हैं और कुछ नहीं। अल्लाहुमा अल्लाहुमा बैना कमाहुमा हजरत हजरत मूसा व सफूरा, मूसा अलैहि सलाम की बीवी का नाम सफूरा था। ये दुआएं मांगी जाती हैं कि हजरत आदम और हवा, हजरत इब्राहिम और सारा, हजरत मूसा और सफूरा, और चूंकि हजरत ईसा ने शादी नहीं की तो उसका नाम नहीं दिया, और हजरत मोहम्मद और बीबी खदीजा। बस ऐ खुदाया जिस तरह इनके दिलों में मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत तो इनके दिलों में डाल दे, निकाह में और कुछ नहीं। हक मोहर की रकम होती है, वो जाहिर नहीं की जाती, बाकी ये जरूर होता है कि वो औरत पर्दे में होती है तो एक वकील आता है तो वो कहता है कि मैं फलानी लड़की का वकील हूँ, वो बोलता है मैं उसका वकील हूँ, तो ये कहता है कि ये जो मेरा मुवक्कल है वो तेरे मुवक्कल से शादी करना चाहता है। ठीक है, यही तो बात है। अब चूंकि वो अरबी के अंदर है, हमको समझ नहीं आती, इमाम ने उसको इंग्लिश बना दिया, मुखी कमड़िया के सामने हम साइन करते हैं दोनों जने, ये एग्रीमेंट हो गया। मुखी कमड़िया इमाम की तरफ बैठे हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दुआ मांगते हैं, खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा क्या है? वो मौलवी की दुआ आपको ज्यादा लगी हजर इमाम के मुखी कमड़िया से? किस किस्म का ईमान है आपका? आपने हजर इमाम के फरमान की बेफरमानी की, नादानी की। ये बात मत करो, ये बात मत करो। इमाम के फरमान मानो। इमाम रात के वक्त, आधी रात है, 12 बजे हुए हैं, और इमाम कहता है इस वक्त दोपहर की धूप चल रही है, तो दीनदारों आप दिल में शक मत करना, क्योंकि इमाम के फरमान में कुछ भेद है। भले जाहिर में रात है और इमाम कहता है कि इस वक्त दिन है, कुछ दिन का कुछ मकसद है। इमाम के हर फरमान के अंदर कुछ मकसद होता है और उस मकसद के ऊपर हमें कुछ चलना चाहिए। हमारा एक ही मजहब है, मौलाना हजर इमाम की ताबेदारी करना, मौलाना हजर इमाम की फरमान बरदारी मानना, मौलाना हजर इमाम की खिदमत करना और उसके बताए हुए रस्ते के ऊपर अमल करना। अगर ये नहीं है तो हम अपने दीन पर नहीं है, और अगर ये मंजूर नहीं है तो खुशी से हमारे दरवाजे खुले हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया मेरे दीन के दरवाजे खुले हैं, और कुरान पाक में भी है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर ये दीन पसंद नहीं, क्रिश्चियन दीन पसंद है, क्रिश्चियन हो जाओ, सुन्नी बन जाओ, लेकिन अगर इस्माइली मजहब में रहना है तो इस्माइली मजहब के ऊपर हक पे रहो। हजर इमाम को अपना इमाम माना है, बयत की है, पक्के रहो, सच्चे रहो, तो इंशाल्लाह दीन में दुनिया में आप चलती होगी, आबाद बनोगे, सुखी बनोगे। मौला आपको दीन में दुनिया में चढ़ती देवे, रूहानी दिमागी जिस्मानी दौलत वगैरह सब कुछ देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे, आफतें बलाएं दूर करे, मुश्किलें दूर करे, मुसीबतें दूर करे। मौला आपकी दुआएं इबादत कबूल करे, तंदुरुस्ती देवे, सदा सब मोहब्बत इत्तेफाक देवे, जान माल में बरकत देवे, हाल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी में ज्यादा बरकत देवे, आपके दिलों को सुकून और शांति देवे, आपके घरों के अंदर सुकून और शांति देवे, आपकी दुआएं नेक उम्मीदें पूरी करे, जहर बातुल दीदार नसीब करे। खाना वजान, खाना वजान।